फ्रेंड्स, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है तो हम दूध की मिठाई अगर मिठाई की दुकान पे लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। 1,800 ऐसे रुपये किलो हमको वो मिठाई मिलती है। तो हम 100-150 में अगर वही मिठाई हम घर में बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। बाहर की मिठाई लाने से, मिलावट वाली मिठाई लाने से अच्छा है हम घर पे बना एकदम प्योर। तो मैंने भी बनाई है आज ये मिठाई, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस चालू करके, और उसमें एक छोटी चम्मच मैंने घी डाल दिया और सब जगह उसे फैला रही हूँ कढ़ाई में, ताकि दूध डालने के बाद वो दूध इसमें कम चिपके। दूध चिपकेगा तो सही लास्ट में, लेकिन कम चिपकेगा इसमें। तो मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया है ये मिठाई बनाने के लिए। बर्फी बना रही हूँ मैं दूध की, और ये मैंने पूरा दूध इसमें डाल दिया है। ये मैंने इसे उबाला नहीं था, कच्चा दूध है ये, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अभी मैंने 1 कटोरी भर के इसमें ये मिल्क पाउडर डाल दिया है, और ठंडे दूध में ही मैं इसे मिला रही हूँ। ये अच्छे से मिल जाता है ठंडे दूध में, तो इसे अच्छे से मिला लेना है। गुठली उठली कुछ नहीं रहती है इसमें, ये देखिए। और अभी हम इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। तो आप हाई फ्लेम पे अगर इसे उबाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बार बार उफनता है, तो थोड़ा हाई करना थोड़ा लो करना, ऐसा करके इसे उबालते जाइए। देखिए अभी थोड़ी देर हुई है, 10 मिनट हुए, तो इतना गाढ़ा हुआ है। और धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे देखते रहेंगे तो ये गाढ़ा होते जाता है धीरे धीरे। तो ये देखिए अभी इतना गाढ़ा हो गया है, ये मलाई जैसे एकदम दानेदार ये बनाते हैं ना रबड़ी, वैसे ये बन चुकी है अभी। और इसे अभी हमें पकाना है। तो अब मैं ये स्टेज पे इसमें शक्कर चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो तभी भी डाल सकते हैं, जब हम दूध और मिल्क पाउडर मिक्स किया था ना तब भी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैंने अभी डाला है, और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो गया था, फिर इसे 5 मिनट हमने अच्छे से सेका है। तो ये देखिए वापस ये गाढ़ा होने लगा है, धीरे धीरे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैं इसमें 1 बूंद केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर या रोज एसेंस जो भी आपको पसंद है, या नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें बर्फी में कम मीठा रखती हूँ, और वैसे भी मिल्क पाउडर डाला है तो थोड़ा वो मीठा भी रहता है, इसलिए मैंने चीनी कम डाली इसमें। अभी लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर में घी नहीं रहता, और वो दूध जो था वो ज़्यादा वो नहीं था मलाई घी वाला, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। वो भी ऑप्शनल है, आप घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। अभी ये बराबर हुआ नहीं बर्फी के लिए हुआ या नहीं, इससे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इसका पार्ट हाथ में लेंगे और इसे ऐसी गोल गोल गोली बनाएंगे। तो ये देखिए ये बोल बन चुकी है छोटी सी, तो मतलब ये सेट होने के लिए रेडी है। तो अभी हम इसे कढ़ाई से उतार लेंगे एक बार, और अच्छे से चलाते हुए चम्मच का जो पीछे का साइड रहता है ना, उससे अच्छे से मसल मसल के इसे दबा दबा के और मसल लेना है। अभी एक ट्रे में मैंने ये बटर पेपर रख दिया, उस पर थोड़े से पिस्ता के कतरन रख दिए थे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने नॉर्मल पेपर में घी लगा के और उसे मैंने रख दिया है। और ये छोटी चम्मच से इसके पीछे घी लगा लगा के मैं इसे प्रेस करके प्लेन कर दिया एकदम, और वापस मैं इसके ऊपर पिस्ता की कतरन रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैंने 5 घंटे रखा था, तो तभी ये सेट होती है। अगर आपको जल्दी है तो आप 1-1.5 घंटा इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। बाहर हम लाते हैं मिठाई तो वो बहुत महंगी रहती है, इससे अच्छा हम 1-1.5 सौ रुपये में हम, या 100 रुपये में हम ये घर में मिठाई बना सकते हैं। घर भर के लिए अच्छी मिठाई बन जाती है, मेहमान आएंगे तो भी हम इन्हें दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ, देखिए एकदम मस्त बर्फी बन के रेडी है। इसकी दूध की और मिल्क पाउडर की बर्फी हम बाहर से जो लाते हैं सेम उसका टेस्ट ऐसा ही है। मैंने केवड़ा एसेंस डाला है तो उसका खुशबू भी वैसी ही आ रही है। और ये बर्फी देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुकी है। मैंने 5 घंटे इसे सेट करने के लिए रखा था तभी ये हुई है। और तोड़ के बताना मैं भूल गई थी, लेकिन ये दानेदार बर्फी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी बर्फी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में इसे शेयर कीजिए। और आप ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये। बाहर से आप कभी नहीं लाएंगे, अगर घर में बनाएंगे तो दिवाली का टाइम है तो हम मिठाई नमकीन सब बनाते हैं, तो एकदम कम में, और थोड़ा टाइम इसको लगता है दूध को मावा में कन्वर्ट करने में, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और
मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी है। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। कल फिर मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।